गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो पिछली कक्षा में जो है हमने जैसे कि रिविजन किया था, तो पहला पार्ट जो है रिविजन किया था पार्ट वन, ये जो है पार्ट टू है। तो पार्ट वन में जो है हमने क्या अध्ययन किया था, प्रश्नों के उत्तर लिखे, तो उसके बारे में भी अध्ययन किया था और यहाँ तक कि जोड़ कर लिखे, ठीक है, जोड़ कर लिखे ये भी मैंने आपको बता दिया था। और तीसरा, तो देखिए जैसे कि नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखे, नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए आज जो है हम क्या कर लेंगे, अगले जो है पार्ट है कि दूसरा पार्ट है उसमें सही उत्तर चुनकर लिखे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो है रिविजन है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए सही उत्तर, सही उत्तर और चुनकर लिखिए, सही उत्तर चुनकर लिखिए, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो देखिए पहला जो है होती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखती हूँ काकू को डैश याद था, तो काकू को डैश याद था यहाँ पर आती है। तो वो जो है आती है ढेर सारी, तो देखिए ढेर सारी यहाँ पर कविताएँ, ढेर सारी कविताएँ हैं। और दूसरा ढेर सारी एकांकी, ढेर सारी एकांकी, तो ढेर सारी एकांकी होती हैं। और तीसरा, तो तीसरा आती है ढेर सारी मुहावरे, तो तीसरा आती है ढेर सारी मुहावरे, तो ढेर सारी मुहावरे आती है। और देखिए पहला शब्द है और दूसरा, तो दूसरा जो है दरअसल टें टें करके डैश पाते, डैश पाते कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शन लिखती हूँ, यानी कि विकल्प लिखती हूँ नीचे। तो पहला जो है दरअसल प्राणी है, पहला जो है दरअसल प्राणी है, और दूसरा और जो है प्राणी है, और दूसरा जो है दरअसल तोते हैं, और तीसरा दरअसल पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेड़ है, तीसरा पेड़ है, और तो ये देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर लिखती हूँ काबू को अपनी डैश के साथ, काबू को अपनी काबू को अपनी डैश के साथ, काबू को अपनी डैश के साथ, ठीक है, यहाँ पर लिख काबू को अपनी डैश के साथ में स्कूल। तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, तो काबू अपनी इतना ही अपनी डैश के साथ नहीं स्कूल दिया, काबू अपनी डैश के साथ नहीं स्कूल दिया। तो ये ऑप्शन जो है बाद में लिखती हूँ आपको। तो यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रीड करती हूँ, तो सही उत्तर चुनकर लिखिए, चूज दी करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको ठीक तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर चुनकर लिखिए, तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर चुनकर लिखिए, तो काकू को जो है डैश याद था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको ठीक तरह से दिखाई दे। हाँ, तो देखिए सही उत्तर चुनकर लिखिए काकू को डैश याद था। तो यहाँ पर देखिए विकल्प मैंने लिख दिया है नीचे, ये सारी कविताएं, ये सारी एकांकी, ये सारी मुहावरे। तो देखिए काकू को डैश याद था, काकू को ढेर सारी क्या याद थी, कविताएं, तो ढेर सारी एकांकी बिल्कुल नहीं, ढेर सारी मुहावरे नहीं, बल्कि ढेर सारी कविताएं। तो काकू को ढेर सारी कविताएं याद थी, ये जो है आंसर होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ढेर सारी कविताएं, ठीक है, तो ढेर सारी कविताएं याद थी। तो देखिए काकू को जो कि दरअसल ढेर सारी कविताएं याद थी, तो यहाँ पर देखिए काकू को ढेर सारी कविताएं याद था।
तो देखिए यहाँ पर ढेर सारी कविताएं याद रखा, तो ढेर सारी कविताएं में छोड़ी दरअसल आंसर होती है, ठीक है। तो दूसरा एक सारी मुहावरे, तो हाँ दूसरा टे-टे करके डैश बातें कर रहे थे। तो देखिए दूसरा जो है ये वाक्य है टे-टे करके डैश बातें कर रहे थे, प्राणी के ऑप्शन है प्राणी है और दूसरा तोते है और तीसरा पेड़ है, ठीक है। तो तीन ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जो है प्राणी है, दूसरा तोते है, तीसरा पेड़ है, ठीक है। टे-टे करके डैश बातें कर रहे थे, तो कौन बातें कर रहे थे यहाँ पर, तो टे-टे करके जो है तोते, तो तोते जो है दरअसल आंसर होती है, ये जो है आंसर है ये सही है, ठीक है। टे-टे करके तोते बातें कर रहे थे। तीसरा काकू अपनी डैश के साथ ये सो गया, तो यहाँ पर देखिए मैं रफ कर देती हूँ पहला, तो पहला जो है मैं यहाँ पर रीड करती हूँ, काकू को ढेर सारी कविताएं याद थी और दूसरा टे-टे करके तोते बातें कर रहे थे, तो पहला जो है यहाँ पर रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शन लिखती हूँ, काकू अपनी डैश के साथ नहीं स्कूल गया, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मौसी के साथ, तो देखिए मौसी के साथ, और दूसरा ऑप्शन है अपनी माँ के साथ, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर मामी के साथ, तीसरा ऑप्शन है मामी के साथ। तो देखिए चौथा, तो चौथा में क्या करूँगी यहाँ पर रेलगाड़ी की, तो यहाँ पर रेलगाड़ी का रुकी डिब्बा, चौथा रेलगाड़ी का जो भी दरअसल अंतिम डिब्बा, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा डैश की नहीं, तो रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा डैश की नहीं कक्षा की, तो मैं यहाँ पर नीचे ऑप्शन लिखती हूँ। ओ तो यहाँ पर देखिए काकू का और दूसरा मैडम का और तीसरा जो थे दरअसल माँ का, तो यहाँ पर देखिए तो शुरुआत करते हैं तीसरे से, तो मैं यहाँ पर रीड करती हूँ, देखिए तीसरा, तो दूसरा देखिए टे-टे करके कौन बातें कर रहे थे, डैश बातें कर रहे थे तोते, याद रखिएगा तोते इनकी पैरेंट्स, तोता इनकी पैरेंट होती है। तो तीसरा काकू अपनी डैश के साथ ये स्कूल गया, तो काकू अपनी डैश के साथ ये स्कूल गया, काकू अपनी माँ के साथ गया था ना, कि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन है मौसी है, माँ है, मामी है, मामी बिल्कुल नहीं है, तो मौसी के साथ भी नहीं गया था बल्कि अपनी माँ के साथ गया था, तो काकू अपनी माँ के साथ, यहाँ पर जो है आंसर माँ ही है, काकू अपनी माँ के साथ मैं स्कूल गया। चौथा रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा डैश की नई कक्षा थी, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा डैश की नई कक्षा थी, काकू की नई कक्षा थी, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन मैडम है, तीसरा माँ की नई कक्षा थी, बिल्कुल गलत है, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा डैश की नई कक्षा थी, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा डैश की नई कक्षा थी, किसकी नई कक्षा थी, काकू का, तो याद रखिएगा इस बात को। तो रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, तो रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा काकू की नई कक्षा थी, तो रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा जो है काकू की नई कक्षा थी, याद रखिएगा इस बात को, अंतिम काकू की, तो पहला डिब्बे में कौन रहते हैं, मैडम रहती थी, ठीक है याद रखिएगा इस बात को, मैडम। तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा काकू की नई कक्षा थी, काकू जो है यहाँ पर उत्तर आती है, और देखिए मैं यहाँ पर दूसरा जो है रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है पांचवा, मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा काकू की नई कक्षा थी, और तो देखिए यहाँ पर पांचवा जो है मैं यहाँ पर लिखती हूँ, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में,
रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नए स्कूल की रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नए स्कूल की डैश, तो ये नए स्कूल की डैश बैठी थी, नए स्कूल की डैश बैठी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑप्शंस लिखती हूँ, ऑप्शंस अधिकारी, अधिकारी और दूसरा बड़ी मैडम, दूसरा बड़ी मैडम थी, दूसरा देखिए बड़ी मैडम थी और तीसरा, तो तीसरा देखिए बड़ी अध्यक्षा, तो तीसरा देखिए बड़ी अध्यक्षा थी, तो तीसरा देखिए बड़ी अध्यक्षा। तो इस तरह होती है देखिए। तो देखिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं फोर्थ वन, रेलगाड़ी का अंतिम डिब्बा डैश की नई कक्षा थी, काबू की नई कक्षा थी, काबू पांचवा, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नई स्कूल की डैश बैठी थी। तो देखिए रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में कौन बैठी थी, आप तो जानते ही हैं, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में बड़ी मैडम बैठी थी, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नई स्कूल की बड़ी मैडम, ठीक है, बड़ी मैडम, बड़ी अध्यक्षा नहीं, बिल्कुल गलत है, अधिकारी भी नहीं, कोई अधिकारी नहीं बैठे थे, बल्कि रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आती है, बड़ी मैडम आती है, तो उत्तर जो है दरअसल बड़ी मैडम आती है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बड़ी मैडम, तो देखिए बड़ी मैडम आती है, तो इसे याद रखिएगा। तो देखिए रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नए स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नई स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी, तो रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नई स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी, तो ये बात याद रखिएगा, अधिकारी नहीं बल्कि बड़ी मैडम नहीं बल्कि बड़ी अध्यक्ष नहीं बल्कि बड़ी मैडम बैठी थी, रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नई स्कूल की, और रेलगाड़ी के पहले डिब्बे में नई स्कूल की बड़ी मैडम बैठी थी, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कुछ, तो आपकी जो भी किताब है तो किताब निकालिए, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। तो देखिए आपकी जो है यहाँ पर निकाली, काकू का नया स्कूल निकालिए, तो यहाँ पर है देखिए, तो आगे देखिए यहाँ पर जो है बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए, ये जो है यहाँ पर ये भी याद रखिएगा। तो देखिए बॉक्स में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि बनाना, पढ़ना, जाता, रखना, खेलना, इस तरह दिया है। तो यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं स्कूल डैश हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ आती हैं, मैं पार्क में गेंद से डैश हूँ खेलता हूँ, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर कुछ वाक्य लिख देती हूँ, ठीक है, तो सभी जो है मैं यहाँ पर रख कर देती हूँ। वाक्य लिखती हूँ जो यहाँ पर है, जैसे कि पहला, मैं स्कूल डैश हूँ, तो यहाँ पर लिखे, और दूसरा मैं पार्क में गेंद से गेंद से डैश हूँ, वहीं पार में गेंद से डैश हूँ, और तीसरा, तो यहाँ पर देखिए तीसरा, वहीं सुंदर चित्र, वहीं सुंदर चित्र डैश हूँ, वहीं सुंदर चित्र डैश हूँ, और जो है देखिए वहीं कहानियाँ, मैं कहानियाँ डैश, मैं कहानियाँ डैश हूँ, और पांचवा, तो यहाँ पर लिखी मैं अपनी कक्षा, ओके, मैं अपनी कक्षा सा
मैं अपनी कक्षा की कक्षा सा डैश हूँ, मैं अपनी कक्षा डैश हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है सभी जो है वाक्य लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस में जो है इनकी जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से जो है कौन सा सही होती है, जो सुटेबल वर्ड होती है यानी कि कौन सा सही शब्द होती है उसे चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं स्कूल डैश हूँ, तो इनमें से कौन सा आती है, बनाता न हूँ, पढ़ता नहीं बल्कि जाता। मैं स्कूल जाता, जाता जो है दरअसल वो सही होती है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं पार्क में गेंद से डैश हूँ, तो इनमें से कौन सा आती है, तो बच्चे हैं चार, खेलना, रखना, पढ़ना, बनाना। तो यहाँ पर देखिए पार्क में गेंद से खेला जाता है, तो खेलता, खेलता जो भी दरअसल सही होती है, यहाँ पर खेलता रखिएगा, खेलता हूँ, ठीक है। मैं सुंदर चित्र डैश हूँ, तो देखिए तीन ऑप्शंस बचे हैं, विकल्प बचे हैं, जैसे कि रखना, पढ़ना, बनाना। मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ, बनाता इनमें सही होती है, मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ। मैं कहानियाँ डैश हूँ, तो देखिए चौथा जो है क्या होती है, चौथा जो है दरअसल मैं कहानियाँ डैश हूँ, तो आप कहानियाँ क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ता, पढ़ता तो जो है पढ़ना, पढ़ता हूँ, ये जो है सही होती है। मैं अपनी कक्षा साफ जो अंत में बची है वह रखता हूँ, ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर देखिए जो आपने लिख दिया है, जैसे कि क, तो देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा, मैं पार्क में गेंद से खेलता हूँ, मैं पार्क में गेंद से खेलता हूँ। मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ। तीसरा, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। और पांचवा, मैं अपनी कक्षा साफ रखता हूँ, मैं अपनी कक्षा साफ रखता हूँ। तो देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पार्क में गेंद से खेलता हूँ, मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैं अपनी कक्षा साफ रखता हूँ। तो ये जो है कुछ यहाँ पर मैंने वाक्य लिख दिए हैं। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पार्क में गेंद से खेलता हूँ, मैं सुंदर चित्र बनाता हूँ, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैं अपनी कक्षा साफ करता हूँ। ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದಲ್ಲಿ ಜಾತಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇದು ಬನಾತಾಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಡ್ತಾಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಐದನೇದು ರಕ್ತ ಮುಂತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.